सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डाउट्स दैट वी रिसीव इज कि भैया ये इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत इसको दस दिन में कैसे पढ़ा जाए क्योंकि मतलब बहुत सारे हम जो प्लान्स देते हैं वहाँ पे यू नो हैव गिवन थ्री टू फोर वीक्स टू कवर दिस बट अलॉट पीपल वांट टू कवर दिस फास्टर तो हाउ डू यू डू इट इन टूडेज वीडियो विल कवर दिस एंड अदर आइडियाज़ लाइक कि हाउ मच टाइम शुड आई एलोकेट टू स्टडी एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट ये किस तरह से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ एंड इसमें कुछ जो डिफिकल्टीज हमें रहेंगी कि भाई यू नो एक बहुत ही सिंपलिस्टिक कैलकुलेशन हम करके देखेंगे एंड देन विल टॉक अबाउट अ स्लाइटली मोर रियलिस्टिक कैलकुलेशन अबाउट हाउ यू कैन गो अबाउट अंडरस्टैंडिंग कितना टाइम किस सब्जेक्ट को लगता है सो दट दैट्स वॉट विल डिस्कस इन वीडियो लेट्स गेट स्टार्ट राइट सो टू सिंपल मैथड्स विल बी टॉकिंग अबाउट अबाउट हाउ टू रीड एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या कितना टाइम आपको लगना चाहिए दो मेथड्स की हम यहाँ पे बात करेंगे द फर्स्ट इज योर ब्रूट फोर्स मेथड ब्रूट फोर्स मेथड में हम यू you नो know, बहुत ही एक बेसिक सा रफ कैलकुलेशन करेंगे

अगर हाँ तो लेट मी नो इन द कॉमेंस वॉट एग्जैक्टली इज योर रीडिंग स्पीड बट वोट हैव सीन फ्रॉम एक्सपीरियंस इज मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसिज़ एग्जाम एक बहुत ही बेसिक मिस्टेक करते हैं कि मुझे यही नहीं पता है दैट इन एन एग्जाम वेर एम सपोज टू रीड सो मच आई डोंट इवन नो माई रीडिंग स्पीड तो अ वेरी बेसिक थिंग दैट आई वॉन्टेड टू डू राइट नाउ पॉज द वीडियो इफ यू हैव टू सेट अ टू मिनट टाइमर ऑन योर फोन ऑन लाइक वट एवर एंड पढ़ो लक्ष्मीकांत का एक पेज उठा के पढ़ो दो मिनट में कितना पढ़ पाते हो उसको देखो एंड देयर आई वॉन्ट यू टू नोट डाउन हाउ मेनी वर्ड्स यू रेड इन दो मिनट्स आई वॉन्ट यू टू रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट टू टू थ्री टाइम्स सो दैट यू गेट एन एवरेज क्योंकि बहुत बार क्या होता है <coughs> कि हम अपने बेस्ट जोन में नहीं हैं आई एम नॉट फोकस्ड या पहली बारी बार जब मैं पढ़ रहा था तो भी मतलब डिस्ट्रैक्ट हो गया बीच में किसी ने फोन कर दिया घंटी बज गई ये हो गया वो हो गया तो वो दो तीन बारी से हम क्या करेंगे वी विल ट्राई एंड टेक दी एवरेज टू थ्री टाइम्स यू वॉन्ट टू रन दिस एक्सपेरिमेंट एंड टेक दी एवरेज इससे क्या होगा कि भाई मेरे को एक बहुत ही अच्छा अंदाजा लग जाएगा कि मेरी रीडिंग स्पीड कितने वर्ड्स पर मिनट है राइट अ जनरल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई जो बिल्कुल बिगिनर यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं तो दे हैव अ रीडिंग स्पीड ऑफ समवेयर अराउंड हाउ डू से अराउंड फिफ्टी To a hundred words per minute. This is a beginning reading speed and this is fine absolutely. अगर आप यहाँ पे हैं या आप इससे नीचे हैं तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है देर आर पीपल हु रीड अलॉट फास्टर यू नो पीपल रीड एट थ्री हंड्रेड words per minute, सेवन हंड्रेड words per minute. But अभी के लिए वो सब चीज़ हमको नहीं देखनी हमें बस अपना एक नंबर चाहिए कि भाई मेरी रीडिंग स्पीड क्या है फॉर द पर्पज ऑफ दिस कैलकुलेशन मेरी ज़िंदगी आसान करने के लिए हम करेंगे कि भाई हमारी से रीडिंग स्पीड है हंड्रेड वर्ड्स पर मिनट की ठीक है तो इसको हम लेके यहाँ से हम ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर लेते हैं कि भई यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन एंड हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि भाई कितना टाइम मुझे लगने वाला है लक्ष्मीकांत पे? तो लक्ष्मीकांत में हमने देखा दैट आई हैव 800 हंड्रेड इंटू मतलब करीब तीन लाख बीस हज़ार राइट दे थर्टी टू एंड फोर जीरो तीन लाख बीस हजार शब्द हैं एंड अगर मैं सौ शब्द पढ़ रहा हूं एक मिनट में तो मैं इसको सौ से अगर डिवाइड कर देता हूं तो आई विल गेट मिनट्स राइट मुझे बत्तीस हजार या बत्तीस सौ थर्टी टू हंड्रेड मिनट्स इट्स गोइंग टू टेक मी इन ऑर्डर टू फिनिश लक्ष्मीकांत राइट रीड एवरी वर्ड इट्स गोइंग टू टेक मी थर्टी टू हंड्रेड मिनट्स नाउ इट्स अ वेरी सिम्पल कैलकुलेशन बट थोड़ा सा स्पेस बनाए राइट सो थर्टी टू हंड्रेड मिनट्स इट इज गोइंग टू टेक मी तो बत्तीस सौ मिनट डिवाइडेड बाई सिक्सटी इज गोइंग टू गिव मी हाउ मेनी आर्स आई एम गोइंग टू रिक्वायर तो ये अगैन अगर मैं बुक बोलूँ तो दिस विल बी समिंग क्लोज टू लाइक फिफ्टी फोर आर्स तो फिफ्टी फोर आवर्स

13 to 14 days and if I am reading 10 hours in a day I can finish this in you know 10 days so that's how you can you know finish lakshmikant reading in 10 days if you read at the speed of 100 words per minute हमने two से इसको simply multiply इसलिए किया क्योंकि देखो बहुत बार क्या होता है पढ़ने में ना सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि मैं शब्द बैठ शब्द पढ़े जा रहा हूँ और you know I am just not stopping I am not thinking

टू का तो मिनिमम आपको लेके चलना है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने कुछ एक पैसेज पढ़ा मुझे नहीं समझ आया मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा तो हम क्या कर रहे हैं अपने दिमाग से वो स्ट्रेस हटा रहे हैं कि शिट मेरे को टाइम इतना ही था मुझे इतने में ही करना है क्योंकि दैट स्ट्रेस दैट यू गिव योर सेल्फ अबाउट कि नहीं 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 अभी करना है अभी करना है अभी करना है इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर प्रिपरेशन क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे हो इट इज़ मच मोर इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन राइट योर फोकस शुड बी टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट नॉट ऑन फिनिशिंग द बुक क्योंकि किताब फिनिश करके आपको समझ नहीं आई तो फिर दोबारा ही पढ़नी पड़ेगी दर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव टू इट सो राधर देन फोकसिंग ऑन की भी दस दिन में मुझे खत्म करना है फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट दैट आ गवन एंड दिस मैथड जो ब्रूट फोर्स हमने देखा अ वेरी वेरी सिंपल मैथड दैट यू कैन यूज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि मुझे किस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम लगने वाला है रिसोर्सेस हमने काफी सारी वीडियोज में पहले भी डिस्कस करी है यू कैन चेक दम आउट रिसोर्सेज का टोटल पेज काउंट निकाल लो पेज में यू नो एवरेज वर्ड्स कितने हैं निकाल लो अपनी रीडिंग स्पीड निकाल लो एंड आपको एक बहुत बेसिक आइडिया लग जाएगा कि मुझे कितना समय लगने वाला है इस सब्जेक्ट में प्रोवाइडेड वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ टू हम लेके चल रहे हैं राइट right. तो ये एक बेसिक हमारी डिस्कशन होगी ऑन द ब्रूट फोर्स मेथड नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी अदर डिस्कशन दिस डिस्कशन इज फॉर द मोर एडवांस्ड एस्पिरेंट कि भाई यहाँ पे आपको ये नहीं करना है डू नॉट प्लीज डू नॉट स्टार्ट विद दिस मेथड यहाँ पे क्या होता है बहुत से लोग जो पूछते हैं ना कि मतलब बिल्कुल एकदम मुझे कट टू कट बता दो क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है ताकि मेरा समय बच जाए मतलब वो सारे बेवकूफ हैं जो बोलते हैं कि यू you नो know, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा मैं सब कुछ नहीं पढ़ूंगा मैं स्मार्ट एस्पिरेंट हूँ मैं यू नो आई विल जस्ट रीड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड देन यू नो सेव माई टाइम क्लियर इन फर्स्ट इनफ्रास्ट्रक्चर प्लीज़ डोंट बी अंडर दैट एलूजन काम सबको करना पड़ता है और ये जो शुरू की मेहनत है यहाँ पे जो शुरू में आपने एफ़र्ट डाला है दिस इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एफर्ट दैट यू गोइंग टू पुट इन योर सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन तो अगर शुरू में ही आप सोच रहे हो कि मैं स्किप एंड रीड करके यू you नो know, अपना टाइम बचा लूंगा तो यूर फुलिंग योर सेल्फ यू विल नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड यू विल एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट मोर टाइम इन योर प्रिपरेशन मतलब यहाँ पे एक वो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना कि भाई घंटे बचाने के चक्कर में हम अपने साल बर्बाद कर देते हैं यूपीएससी सर्विसेज की तैयारी में तो डोंट स्टार्ट विद दिस आइडिया ऑफ स्किप एंड रीड दिस इज मोर यूजफुल इन योर सेकेंड एंड थर्ड रीडिंग स्किप एंड रीड में हम करते क्या है स्किप एंड रीड में हम करते हैं बहुत सिंपली कि जैसे हमने कोई एक रिपोर्ट ले ली तो हमने रिपोर्ट पूरी एंड टू एंड नहीं पढ़ी अगर मेरे को बेसिक लेट्स से इकोमी का इकोनॉमिक सर्वे मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो लेट्स जस्ट टेक दैट एग्जाम्पल तो दिस इज द इकोनॉमिक सर्वे दैट केम आउट यस्टरडे एंड इसमें से हम फर्स्ट चैप्टर में देखते हैं कि भाई हाउ डू आई स्किप एंड रीड राइट तो फर्स्ट चैप्टर ऑब्वियसली काफ़ी पेजेस के बाद यहाँ पे आता है आई थिंक फोटी एट फोर्टी नाइन या तो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी स्टडी एज शी गोस नाउ अगर मैंने इकॉनॉमी के बेसिक्स अपने किए हुए हैं तो मुझे ये पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है बट अगर मैं बिल्कुल ही नया हूँ इकोनॉमिक्स में और अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई मतलब मैं सीधा कूद के आगे पहुँच जाऊँगा तो देन इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल क्योंकि मुझे जो आगे पढ़ने वाली चीज़ है वही समझ नहीं आएगी राइट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो अगर आपने इकोनॉमिक्स के बेसिक्स अपने किए हुए हैं तो ये रियल जीडीपी ग्रोथ का डेटा देखना है मुझे बस मुझे बस सीपीआई इन्फ्लेशन का परसेंटेज देखना है बट प्रॉब्लम क्या होती है ना कि भाई शुरू शुरू में जब आप बिल्कुल नए हो तैयारी में आपको लगता है मैं सीधा ये चार्ट देखूंगा मुझे सब समझ आ जाएगा जबकि आपको यही नहीं पता कि भैया सी पी इन्फ्लेशन कैलकुलेट कैसे होता है राइट वॉट आर द यू नो फैक्टर्स दैट गोइंग टू कैलकुलेटिंग दैट इन्फ्लेशन लाइक फॉर एग्जाम्पल आज ही सरकार का एक ये नोटिफिकेशन आया कि डोंट काउंट फूड इन रिटेल इन्फ्लेशन तो भैया मतलब होता क्या क्या है इंक्लूड

एक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि अगर आपको इकोनॉमिक्स का बेसिक्स नहीं आता है अगर आपने वहाँ पे जल्दबाजी करी भागदड़ में कि मैं स्किप एंड रीड बेसिक्स में ही कर दूंगा तो देन ये इकोनॉमिक्स सर्वे में आपको स्किप एंड रीड करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर सब कुछ आपके सर के ऊपर से जाएगा तो लाइक एक बेसिक कैलकुलेशन मैं यहाँ से कर सकता हूँ बट अ थिंग कि दिस इज अ वेरी रफ एस्टिमेट एंड ये रफ एस्टिमेट को हमें थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ रिकैलिब्रेट करके दोबारा देखना है कि लेट अस से आई टेक अ सब्जेक्ट मेरे अंदाजे से मुझे ग्यारह दिन में हो जाना चाहिए था बट अगर मुझे उसमें तेरह या चौदह दिन लगे तो इट्स फाइन आई डोंट नीड टू भी स्ट्रेस्ड आउट अबाउट इट अगर मैंने प्लान इतना टाइट बनाया है कि मेरा एक दिन का गैप या डिले आने की वजह से मेरा पूरा प्लान ख़राब हो गया तो आपका प्लान खराब था दिस इज वाई लाइक द प्लान दैट वी शेयर आज जनरली कि भैया संडेज़ को ऑफ है या बफर डे है कहीं ना कहीं बीच में क्योंकि यार वो दिक्कत आएगी एंड दैट इज़ वट यू हैव टू अंडरस्टैंड वाइल्ड प्लानिंग वाइल अंडरस्टैंडिंग की मुझे किस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम चाहिए राइट सो दैट विल ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड फॉर दो इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट दू पी एस सी असेंशियल कोर्स फ्रॉम यू पी एस सी प्रेप डॉट कॉम यह दो हजार पच्चीस के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक ईयर लॉन्ग कोर्स है विद थ्री ईयर्स ऑफ मेंटरशिप मानिए कि आज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो टिल ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन यू विल हैव एक्सेस टू मेंटरशिप एंड लाइव करंट अफेयर्स क्लासेज टिल ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन so if you want to know more you can visit courses.upscprep.com and check it out upsc essential for 2025 all the best